दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि उत्तराखंड की बस्ती हल्द्वानी आजकल काफी चर्चे में है, क्योंकि प्रशासन ने वहां के तकरीबन 4500 घरों को तोड़ गिराने का ऑर्डर दे दिया है। प्रशासन ने सिर्फ 7 दिन के नोटिस पर बस्ती को खाली करने का ऑर्डर दिया। जब से ये ऑर्डर आया तब से वहाँ के लोग मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फरियाद कर रहे हैं कि उनके घरों को न तोड़ा जाए। जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हल्द्वानी का है। हजारों की संख्या में लोग इस कड़ाके की ठंड में अपने घरों से बाहर निकलकर पूरा पूरा दिन बैठकर फरियाद कर रहे हैं, रो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं कि किसी तरह से उनका घर बच जाए। मगर गोदी मीडिया की तरफ से इस समाचार पे कोई कवरेज नहीं है। आइए पहले कुछ क्लिप शेयर करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। हम मैं पोते पोतों की हो गई, मैं भी बड़ी हो गई, बुढ़िया हो गई हूँ, पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये नन्हे नन्हे मासूम बच्चे हैं, मस्जिद मंदिर है, मस्जिद सब चीजें, यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये इतने बूढ़े हैं यहाँ, कोई कितना बीमार है, कोई लाचार है, कोई अपाज है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कहाँ जाएंगे? वो कहाँ लेके जाएंगे उन्हें बताओ? हम कहते हैं हमारी गुजारिश थी कि हमें नहीं कहीं जाना चाहिए, ना हमारे घर तोड़ने चाहिए, ना हमारी मस्जिद, ना हमारा मंदिर, कुछ नहीं जाना चाहिए। हम सब मिल के रहना चाहते हैं यहाँ पर, हम बहन भाई बना के रहना चाहते हैं, हम अखलाक और मोहब्बत से रहना चाहते हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम हाथ जोड़ के देते हैं। हमारी विनती है हमारे घर मत तोड़िए, हमें बेसहारा मत करिए, हम बेसहारा है, हमारा कोई सहारा नहीं है, हम इन मासूमों को लेकर कहाँ जाइए, कहाँ जाके बढ़ेंगे? आप ही बताइए हम कहाँ जाएंगे? हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपना घर चाहिए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वहाँ के लोग कितना परेशान हैं। ऐसे में एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसको भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसा दिल को दहलाने वाला वीडियो वहां से वायरल हो रहा है। लोग अपने घरों को बचाने के लिए कैसे दुआएं मांग रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि इतने बड़े मुद्दे पर मीडिया की कोई भी कवरेज नहीं है। मगर ऐसा लगता है कि इस तरह से रो रो कर मांगी जाने वाली इनकी दुआएं कबूल हो गईं, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है और 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, इनके हक में होता है या नहीं। जो भी अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करेंगे।